नमस्कार दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयर में 10 जुलाई के लिए हमें क्या क्या नज़रिया दोस्तों बना के रखना है। दोस्तों नोटिस कर सकते हो, हम आपके सामने ये एनालिसिस कर रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को लगाए हैं इंडियन ओवरसीज बैंक का। और ओवरऑल जो स्टॉक है वो आपको यहाँ पे अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू करता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये आपके को अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अभी कंडीशन क्या है, स्टॉक एग्जैक्टली अपना एक रेजिस्टेंस से पास रुका हुआ है, रेजिस्टेंस के पास में जाके आज के ट्रेडिंग सेशन को अगर देखेंगे तो 1% से लेकर 1.5% के बीच में आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है, राइट। तो कंडीशन क्या है, जैसे दोस्तों स्टॉक तो यहाँ पे अप ट्रेंड में, तो हाई प्रोबेबिलिटी ऊपर के साइड में, तो जैसे ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से आपको अच्छे टारगेट देखने को मिल जाएगा। तो पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे 29 का, दूसरा टारगेट रहेगा 32 का, तीसरा टारगेट रह जाएगा यहाँ पे 36 का, राइट। तो अभी के लिए सपोर्ट लाइन रहेगा यहाँ पे 23.75। दोस्तों जिन लोगों के पास में होल्डिंग है तो आपको क्या करना चाहिए, आप स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल करके रखना चाहिए, राइट। अब अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें, ऑलमोस्ट वही रेजिस्टेंस लाइन रहेगा, सपोर्ट लाइन रह जाएगा यहाँ पे 25 रुपये में, राइट। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।